जैसा कि सब सभी को पता है कि हम लोगों ने स्ट्राइक की नोटिस दिया था 1/11 को, और तमाम सारी हमारे जो इशू थे आज उस पर लगभग 2 घंटे वार्ता चली। अफसोस है कि आज तक जो है डिपार्टमेंट पूरे देश से रिपोर्ट नहीं मंगा पाया 1 महीने के अंदर। वार्तालाप से ऐसा लग रहा था जैसे डिपार्टमेंट इस हड़ताल को गंभीरता से नहीं ले रहा है। कोई फ्रूटफुल रिजल्ट न होने के नाते डीडीएस के एक एक इशू को उठाया गया है। डीडीएस के एक एक इशू को, उनकी ड्यूटी 8 घंटे करने के लिए इंसेंटिव देते, हमने गवर्नमेंट विभाग में गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट में ये इंसेंटिव देने का कौन सा प्राविधान है, इसको बंद किया जाए। वो इंसेंटिव का जितना ड्यूटी आवर्स बनता है उनके ड्यूटी में जोड़ के 8 घंटे ड्यूटी करो। ग्रेजुटी उनका जो ग्रेजुटी का सीधा सा नियम है कि लास्ट पे ड्रान 16.5 महीने का वेतन, उस पर भी डिपार्टमेंट एग्री नहीं। हमने कहा ठीक है नहीं एग्री है तो फिर हमको हड़ताल से जाएंगे। और जो कर्मचारी की डेथ हो जाती है उसमें ग्रेजुटी डबल हो जाती है, उसका कहीं कोई प्राविधान नहीं है। और ये मैटरनिटी लीव पर सीसीएल लेडीज डीडीएस को मिलेगी, रेगुलर जो जेंट्स होगा उसको नहीं मिलेगी, पेटेंटी लीव कैसे नहीं मिलेगी। तो सारे चीज पर एक हर धर्मता का एटीट्यूड एडमिनिस्ट्रेशन का रहा, जिसके नाते 2 घंटा के वार्ता के बाद कोई फ्रूटफुल रिजल्ट न होने के नाते 1 दिन की स्ट्राइक पर हम लोगों ने जाने का निर्णय ले लिया। सारे जनरल सेक्रेटरी डीपीएफ के मौजूद थे, हम मौजूद थे, और निर्णय हुआ कि हड़ताल पर जाएंगे। जी धन्यवाद सर। धन्यवाद।